तो आज इतना बिजी शेड्यूल हमारा हो गया है कि जो हमारा रोजगार है उस रोजगार से हम इनकम लेने के लिए दिन रात जो हम दौड़ रहे हैं उनमें से केवल 5% लोग ही अपने जीवन का आनंद उठा पा रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बाकी जो 95% लोग हैं वो अपना जीवन बीमारियों के इलाज के लिए बिता रहे हैं और वो बीमारियां मिली थी उसे अपने रोजगार में पैसे कमाने के समय में। अब ये बहुत ही आम बात हो गई, जो बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी, गठिया, ये सारी बीमारियां आज आम हो चुकी है। लेकिन अभी सवाल उठता है कि इन बीमारियों से हम छुटकारा कैसे पाएं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आज इसका एकमात्र सॉल्यूशन रिनाटस नोवा के बारे में, क्योंकि रिनाटस नोवा एक सुपर फूड सप्लीमेंट होते हुए भी केवल सुपर फूड ही नहीं है और मल्टी विटामिन से भरपूर होते हुए भी केवल मल्टी विटामिन ही नहीं है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है जिसमें न्यूट्रिशन भी है, मल्टी विटामिन भी है, बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला के एक बोतल में संपूर्ण समाधान के रूप में इसको सॉल्यूशन बनाया गया है, जिससे हम सभी प्रकार के प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। इससे हमारे अंदर शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी भी पूरी होगी जो हमें किसी भी सिंगल स्रोत से नहीं मिल सकता था, वो ये सिंगल जगह से मिल सकता है। और बहुत सारे और दूसरे प्रॉब्लम्स जैसे एनर्जी का कमी या वेट मैनेजमेंट या इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिंगल है रिनाटस नोवा, क्योंकि इसमें 9 तरह के अद्भुत जड़ी बूटियों को, जड़ी बूटी एक तरह से कह सकते हैं, 9 तरह के अद्भुत इंग्रेडिएंट हैं। ये इंग्रेडिएंट आयुर्वेद के 9 रत्नों में से मिलाया गया, जिसमें मैंगोस्टीन है, मैकारूट है, साबिरिन जिनसिंग है, एल्डर बेरी है, रेस्पबेरी, ब्लैक करेंट, सॉर चेरी, गेनोडर्मा ल्यूसीडियम और सिगरू। तो बाकी इंग्रेडिएंट के बारे में हम पहले जान चुके हैं, आज हम जानेंगे रेस्पबेरी के बारे में कि रेस्पबेरी क्या है, ये कैसे हमें हमें फायदा देता है और इनका हम किस तरह से सेवन करें। साथियों, रेसबेरी को भी मिलाया गया है इस रिनाटस नोवा के अंदर, एक सिंगल कैप्सूल में रेसबेरी को भी मिलाया गया है। अब रेसबेरी क्या है, 15वीं शताब्दी में रेसबेरी का नाम दिया गया था, एक लैटिन भाषा जो वर्ड था रेस्पिस से लिया गया था। रेस्पिस का मतलब है एक वाइन कलर का स्वीट रोज, क्योंकि स्वीट रोज दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है और ऐसे ही सुंदर ये फल भी है और इसके मेडिसिनल वैल्यू के कारण पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड लगातार बढ़ती गई है। 15वीं शताब्दी से लगातार बढ़ते 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 गूगल में यदि आप सर्च करेंगे तो 2017 में ही रेसबेरी का जो वर्ल्ड का उत्पादन था 8,13,000 टन था, केवल रेसबेरी का उत्पादन जो पूरे वर्ल्ड में। और आज जो परिस्थितियां हैं पूरे विश्व में, जो परिस्थितियां हैं इम्यूनिटी को लेकर जो लोगों में जागरूकता बढ़ी हुई है, साथियों इसमें आपको बताना चाहूँ कि रेसबेरी को सुपर इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा गया है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है, जो जिंक इसमें है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की आवश्यकता होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल जो अदा करता है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए वो है विटामिन सी। आज साथियों विटामिन सी का रिच सोर्स है हमारा रेसबेरी, क्योंकि 100 ग्राम रेसबेरी के अंदर 26.2 mg विटामिन सी होता है साथियों। और विटामिन सी का रोल कैसा है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा आपको आज क्लियर डिस्क्राइब करना चाहूंगा, क्योंकि इम्यूनिटी क्या होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता क्या होती है, कोई भी अवांछित तत्व जो हमारे शरीर में आते हैं या जो चीज हमारे शरीर को जरूरत नहीं है वो चीजें आती है, या कोई विरोधी तत्व हमला करते हैं जैसे वायरस है ना, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में हमला करती है, तो उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो रिएक्शन करता है वो एक्शन करता है वो रोग प्रतिरोध क्षमता का हिस्सा होता है। और रोग प्रतिरोध क्षमता में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है WBC का, श्वेत रक्त कणिका जो होती है। अब इसको एक सिंपल सा एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आपने पुराना मूवीज तो देखा होगा जिसमें एक गांव होता है, गांव में गांव के लोगों को लूटने के लिए डाकू आती है और गांव के लोगों को बचाने के लिए पुलिस आती है, और जब डाकू और पुलिस की जब भिड़ंत होती है, ठीक है, तो इसको इस तरह से आप एग्जाम्पल लेके चलें, गांव है आपका शरीर, ठीक है, आप शरीर के अंदर जो गांव वाले हैं आपके शरीर के अंदर की कोशिकाएं, ठीक है, और जो डाकू आ रहे हैं कोशिकाओं को लूटने के लिए, कोशिकाओं को डैमेज करने के लिए, वो हो गया मान लो बाहर के वायरस, ठीक है। आप एकदम आसान से शब्दों से इसको समझे, ठीक है, तो इस समय क्या होता है, डाकू अपनी ओर से पूरी ताकत लगा के चाकू, छुरे, गोले, है ना, बंदूक, गोलियां ये सब चलाते हैं। अब पुलिस भी क्या करती है, उन डाकुओं को मारने के लिए गोलियां चलाती है, ठीक है।
तो अब साथियों मैं जो बोलने वाला हूँ, पुलिस जो गोलियां चला रही है वो गोली होता है WBC के द्वारा छोड़ा जाने वाला एक तरह का आंसू गैस। ठीक है, ये आंसू गैस जब WBC छोड़ता है तो ये आंसू गैस दुश्मनों को मार देते हैं, वो सारे डाकुओं को मार देते हैं जो नुकसान करने वाले जो वायरस रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कई बार उन गोलियों से, पुलिस या डाकू की गोली से बीच में बेचारे गांव वाले आ जाते हैं और गांव वालों को भी कुछ गोलियां लग जाती है, मतलब हमारी कोशिकाएं भी डैमेज हो जाती है, उन कोशिकाओं को भी गोलियां मान के चलिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोशिकाएं भी उस आंसू गैस से, हमारी शरीर की कोशिकाएं भी डैमेज हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि गांव वाले को गोली क्यों लगती है, क्योंकि गांव वाले के पास तो बेचारे के पास ना गा मतलब कोई भी बॉडी को गार्ड करने वाली कोई चीज नहीं होती है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं होते हैं गांव वाले के पास, बेचारों को क्या मालूम है ना, सीधे साधे गांव वाले। तो ऐसी हमारे कोशिकाएं होती हैं, बॉडी के सेल्स, उनके पास कोई सेफ्टी लेयर नहीं होता है, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होता है। ठीक है, तो वो उन गोलियों का शिकार हो जाती है, कई बार हमारे शरीर की WBC का ही शिकार हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, जैसे हमारा बॉडी अगर जल जाता है तो बॉडी को उस जले हुए हिस्से को बचाने के लिए WBC एक आंसू गैस छोड़ता है जो पानी की तरह पूरा फफोले आ जाते हैं, वो शरीर को बचाने के लिए होता है। कुछ एलर्जी होता है तो एलर्जी में कुछ फफोले आ जाते हैं, कोई डंक मार दिया कीड़ा, इसी तरह के दूसरे वायरस ने मार दिया डंक, है ना, तो बॉडी उससे बचने के लिए वो आंसू गैस छोड़ेगा, तो वहां फफोले आते ही हैं। तो उन फफोलों की जो जलन होती है, बहुत तेज जलन, हम सहन नहीं कर पाते, कई बार उस पानी को निकाल देते हैं, वो पानी हमें बचाने के लिए आया होता है साथियों। तो ये वही आंसू गैस की तरह WBC छोड़ता है जैसे पुलिस वाले आंसू गैस छोड़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि हम बचे कैसे, विटामिन सी का क्या रोल है वहां पे। विटामिन सी यहाँ पे एक रोल अदा करता है उस बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह, उस गांव वालों को बचाने के लिए विटामिन सी क्या करता है, एक सेफ्टी लेयर बनाता है कोशिकाओं के ऊपर। ठीक है, कोशिकाओं के ऊपर उस आंसू गैस से बचने के लिए आंखों में एक तरह का चश्मा लगाता है ताकि हमारे शरीर की कोशिकाएं बचे रह सके, क्योंकि पुलिस वालों के पास है वो चश्मा, पुलिस वालों को कुछ नहीं होगा उनके खुद के आंसू गैस से, लेकिन गांव वाले तो जाएंगे। तो वैसे ही हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, उन बॉडी के सेल्स को तो डैमेज होते हैं, दुश्मन वायरस भी डैमेज होगा, हमारी बॉडी के सेल्स भी डैमेज होंगे, इसलिए हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत तेज जलन होनी चालू हो जाती है जब आंसू गैस निकलता है। तो विटामिन सी का क्या रोल रहता है, उस जलन को रोक देता है, क्योंकि हमारी बॉडी की कोशिकाएं डैमेज होनी बच जाती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है विटामिन सी का। इसलिए आज आप किसी भी मैगजीन में आप देख रहे होंगे, टीवी न्यूज में देख रहे होंगे कि विटामिन सी का सेवन कीजिए, बड़े बड़े वैद्यराज आपको बोल रहे होंगे, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है वो आपको बोल रहे होंगे विटामिन सी का आप सेवन कीजिए। विटामिन सी का वही रोल होता है, हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को विटामिन सी एक सेफ्टी लेयर में बांध देती है ताकि हमारी कोशिकाओं को डैमेज न हो, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी तो हरकत आएगी, हमारी इम्यूनिटी उनको मारने के लिए एक्शन लेगी, क्योंकि वो जन्मजात हमें मिला हुआ है। ठीक है साथियों, ये रोल है हमारी विटामिन सी का, इसलिए विटामिन सी को सुपर इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लिया गया है, और विटामिन सी का ये रिच सोर्स है रेस्टबेरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी आंखों के ऊपर क्या रोल अदा करता है विटामिन सी या रेस्टबेरी। साथियों विटामिन सी में तो सी रेस्टबेरी में पाई जाती है, इसके साथ साथ SPF जो है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ये बेटा इसमें रेस्टबेरी में 24 से 50 तक होता है, 50 SPF 50 होता है, इसलिए ब्यूटी के लिए या कॉस्मेटिक्यूटिकल के लिए, सौंदर्य उद्योग के लिए इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये SPF 50 हमारी आंखों का भी रक्षा करता है, और लगातार हम रेस्टबेरी का सेवन करते हैं तो अल्ट्रा वायलेट जिसको UV लाइट्स बोला जाता है उसके डैमेज से हमारी आंखों का प्रोटेक्शन ये करती है, जिससे हमारी आंखें हमेशा स्वस्थ रहती है। और रेस्टबेरी में जो एंटीऑक्सीडेंट है एक तरह का जैक्सेंथिन होता है, जैक्सेंथिन का काम क्या होता है, ये जो हानिकारक ब्लू लाइट होता है, रेस होता है हानिकारक ब्लू लाइट रेस, उसको छान के फिल्टर करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाता है, मतलब डायरेक्ट जो ब्लू लाइट रेस है हमारी बॉडी में नहीं आता है इस जैक्सेंथिन के कारण। तो ये जैक्सेंथिन का ये रोल होता है जो रेस्टबेरी में भरपूर मात्रा में होता है, जिस कारण से हमारी आंखें जो है आई का हेल्थ में एक प्रोटेक्टिव रोल अदा करता है जैक्सेंथिन, एक सुरक्षात्मक भूमिका अदा करता है, एक कवर कर देता है ये जैक्सेंथिन, एक सुरक्षात्मक कवर, है ना। इन्हीं कारण से इसके लगातार अगर सेवन करते हैं, किसका, रेस्टबेरी का, और किस तरह से कर सकते हैं, आप कैप्सूल के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि प्योर एक्सट्रैक्ट इसके अंदर मिला हुआ है रिनाटस नोवा के अंदर। तो लगातार सेवन करने से आंखों में होने वाला जो मैकुलर डिजेनरेशन है, चाहे हमारे कम उम्र में हो चाहे बढ़ती उम्र के प्रभाव से, अधिकांश ये होती है
बढ़ती उम्र के प्रभाव से मैकुलर डिजेनरेशन, तो उससे होने वाली जो नुकसान है इससे रोका जा सकता है आंखों का। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है आई हेल्थ के ऊपर। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर हमारे पाचन क्षमता को कैसे हेल्प करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि रेसबेरी में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है और पानी प्रचुर मात्रा में होता है, जिस कारण से ये इनडाइजेशन को ठीक करता है और कब्जियत को रोकता है। तो स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने में इस तरह से इसको हेल्प मिलता है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारे हेयर हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि हेयर हेल्थ को दूषित कैसे होता है, बालों का स्वास्थ्य कैसा दूषित होता है, क्योंकि पित्त और कफ जब दूषित होते हैं तो सिर से बढ़ते बढ़ते धीरे से हमारे पैर से बढ़ते बढ़ते सिर तक पहुंचते हैं नीचे से ऊपर। तो पित्त और वात दो चीजें दूषित होती है, ठीक है, जिससे हमारे सिर का ब्लड दूषित होता है और हमारा बाल झड़ना चालू हो जाता है और धीरे से गंजापन भी आ जाता है। अब बचे कैसे उससे? अब इस रेसबेरी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स होता है और कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो पित्त को मल के माध्यम से और विषाक्त तत्वों को, वात को, पित्त को, दोनों को उत्सर्जन कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है, और डेली ये बाहर निकालने का काम करता है पित्त और वात को, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे, चूंकि पित्त और वात का हमारे बालों से है। अब दूसरा, शरीर में जो दूषित रक्त हो गया है उसको दूर करने के भी कुछ साधन हम अपना सकते हैं, जैसे कई जगह आयुर्वेद में आप देखेंगे जोंक लीच को चिपका कर भी वहां का दूषित रक्त को निकाला जाता है, या हल्का चीरा लगा के। लेकिन हम रेसबेरी का सेवन करते हैं, जोंक कहाँ ढूंढने जाएं या चीरा कैसे लगाएं किसी एक्सपर्ट से, लेकिन रेसबेरी का सेवन करते हैं तो लगातार 3 महीना तक इसका सेवन अगर कर लिया जाए, या 3 महीना से अगर थोड़ा सा ज्यादा भी लग सकता है बॉडी में दूषित रक्त के अनुसार, तो फिर से बाल आने की संभावना भी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि दूषित रक्त को ये ब्लड सर्कुलेशन सही करके ये बाहर निकाल देता है सिर से, और पित्त और वात का जो प्रॉब्लम है उसको भी ये साफ कर देता है मल के माध्यम से। तो इस तरह से बालों का दोबारा आने की संभावना भी बढ़ जाती है, लेकिन हमें कंटिन्यू सेवन करना पड़ेगा 3 महीना से ज्यादा, कम से कम 3 महीना, या 3 महीना से ज्यादा 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना भी हो सकते हैं, लेकिन बाल दोबारा आने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी एविडेंस है हमारे खुद बस्तर जिला में, कुछ लोग को इसके बाल भी आ चुके हैं। बालों का झड़ना तो महिलाओं का 1 महीना 1.5 महीना में ही रुक जाता है, हालांकि 3 महीना इसका सेवन करना चाहिए। अब आते हैं इसके एंटीऑक्सीडेंट की ओर, क्योंकि रेसबेरी के जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं वो फ्री रेडिकल्स, जो मुक्त कण जिसको कहा जाता है, उसके खिलाफ लगातार काम करते हैं, जिससे क्या है हमारे शरीर में, या जिनको ट्यूमर हो रहा है उनके बॉडी में ट्यूमर का विकास रुक जाता है, उनका ट्यूमर का ग्रोथ रुक जाता है। अब बॉडी में जो स्वेलिंग आती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन को कम करता है ना, एंटी हिस्टामाइन होने के कारण, तो बॉडी का सूजन भी कम होना चालू हो जाता है। और इसमें मौजूद जो शक्तिशाली पॉलीफेनॉल्स रहता है, ये हार्ट के हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिससे हमको हार्ट की बीमारियां नहीं होती है, और हार्ट से संबंधित और ब्लड सर्कुलेशन संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सारे रोगों में ही हेल्प करता है। आज एज रिलेटेड जो डिक्लाइन है, उम्र से संबंधित जो बॉडी में जो गिरावट आती है 30 साल के बाद, उससे लड़ने में ये जो शक्तिशाली पावरफुल पॉलीफेनॉल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। और इन शक्तिशाली पॉलीफेनॉल्स के साथ साथ रेसबेरी में विटामिन सी तो होता ही है, क्वेरसेटिन और गैलिक एसिड जैसे मजबूत एंटीऑक्सीडेंट्स भी है इसके अंदर होते हैं, और ये सब मिलके बॉडी के कैंसर, अगर किसी की बॉडी में कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं तो कैंसर को दूर करने के लिए या कैंसर को धीमा करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे इसोफेगल कैंसर है उसमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं, ब्रेस्ट कैंसर में है, माउथ कैंसर में है, फेरिंग्स जो कैंसर है, ग्रसनी आहार नाल का कैंसर, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, या एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर मीन्स जो गर्भाशय से संबंधित जो कैंसर है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, पैनक्रेटिक कैंसर में अच्छे रिजल्ट्स हैं, प्रोस्टेट और कॉलन कैंसर में अच्छे रिजल्ट्स हैं, और ब्लड कैंसर में तो साथियों इसके एविडेंस भी आ चुके हैं, एविडेंस रिजल्ट्स, कैंसर से पहले का रिजल्ट्स और कैंसर के बाद का रिजल्ट्स भी आप इसमें देख सकते हैं इसके लगातार सेवन से, जिसको दुबई के डॉक्टर्स ने लगभग मृत घोषित कर दिया था, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने में जो व्यक्ति मृत हो जाएगा, मुन्ना नाम है उनको कहा गया था, वो बंदा भी इससे बच चुका है। और साथियों रेसबेरी में इलेजिक एसिड ये भरपूर होता है, जो कि पावरफुल कीमो प्रिवेंटिव है दोस्तों, पावरफुल कीमो प्रिवेंटिव। और कीमो प्रिवेंटिव क्या होता है? जो दोबारा कैंसर होने से रोकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कीमो प्रिवेंटिव दो चीजें हैं जो दोबारा कैंसर होने से रोकता है।
अब साथियों इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कीटोन है ये एक्चुअली में है लाल रेसबेरी। रेसबेरी की भी कई प्रजातियां होती है जिसमें लाल रेसबेरी का उपयोग किया गया है रिनाटस नोआ के अंदर, सबसे पावरफुल यही होता है। और लाल रेसबेरी में जो मौजूद जो कीटोन है ये वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल अदा होता है, इसका वजन घटाने के लिए, वेट मैनेजमेंट में स्पेशली वजन घटाने का काम करता है, हेल्पफुल होता है। इसलिए आज जो वर्तमान समय में अधिकांश इसका उपयोग जो हो रहा है जापान में हो रहा है, जापान वाले वेट लूज सप्लीमेंट के रूप में लाल रेसबेरी का उपयोग, रेड रेसबेरी का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। और इसमें इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे 10 प्रकार के विटामिन्स हैं और 7 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं और प्रोटीन्स हैं, ये सब हेल्प करते हैं फर्टिलिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और जो हेल्थी टिश्यू है और ब्लड वेसल्स हैं उनको हेल्थी रखने के लिए, हमारे मूड को अच्छा रखने के लिए और मेमोरी को बूस्टिंग करने के लिए, और डायबिटीज में भी ये जो मिनरल्स और विटामिन है बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। साथियों ये तो रही रेसबेरी की बात, और इसके अलावा जो चीजें बच जा रही है वो सारी चीजों को, इसके जो बाकी 8 इंग्रेडिएंट है वो पूरी की पूरी तरह से सभी को मिला के जब इस कैप्सूल में मिलाया गया जिस साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट निकोलस पेरिकोन ने, तो बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है शरीर का संपूर्ण समाधान के लिए। इसलिए इसे बोला गया है एक बोतल में संपूर्ण समाधान, कंप्लीट सॉल्यूशन। और इसको हम केवल सुबह खाली पेट 2 गोली, खाली पेट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे लें और 15 मिनट में खाना खा लें, ऐसा नहीं। साथियों इसमें खाली पेट का मतलब है आप 2 कैप्सूल को गर्म या गुनगुने पानी के साथ इसे लें, और इसे लेने के 1 घंटा पहले तक कुछ न खाएं, और इसे लेने के 1 घंटा बाद तक कुछ न खाएं, न चाय और ना ही किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ, केवल आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। हो सकता है तो 10-15 मिनट में एक एक घूंट आप गर्म पानी बस पी सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे बॉडी में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ही अब्जोर्व होना चालू हो जाता है और बॉडी को ये सारे फायदे देना चालू कर, क्योंकि ये न्यूट्रासिटिकल है, पूरी की पूरी इसकी मात्रा को हमारा बॉडी एब्जोर्व करने की ताकत रखता है। तो ये चीजें हैं। और एक रात को, रात का भोजन तो वैसे सूर्य ढलने से पहले ही लेना है, आयुर्वेद ये कहता है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके रात होने के पहले हमें रात का भोजन करना चाहिए, और रात के भोजन से 1 घंटा पहले 2 कैप्सूल आप ले लें। तो इस तरह से आप सुबह और रात होने से पहले अगर 2-2 कैप्सूल ले लेते हैं तो इसका खाने का खुराक बहुत बेहतरीन तरीके से आपके शरीर को फायदा पहुंचा सकता है। प्रकार से पांचवा पैक है इंटरप्रेनर, उद्यमी, बिजनेसमैन। तो ये 41 डब्बे का पैक, 41 हजार का 41 डब्बे का होता है, जो रेट पड़ता है हमको डिस्काउंट में 1,025 रुपये, और रेट पे जाते हैं बिक्री रेट पे 41 हजार। अगर एमआरपी की बात करें तो 61,990 रुपये होता है, और डिस्काउंट की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, डिस्काउंट प्रॉफिट की, तो कम से कम हमको 20,960 रुपये बचत होती है दोस्तों। इस प्रकार से हम देखें तो ये हमारा 5 प्रकार का पैक है जो आज हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ज्वाइनिंग पैक है इसमें एंट्री करने का, और इसमें जो मार्जिन जो हमें मिलता है ओनली वन टाइम ही मिलता है। जैसे अभी हमने 1 डब्बा लेना चालू किया तो 1,080 पड़ेगा, अगर हमने इसी में 40 डब्बा ले लिया। ये बार बार फोन आ रहा है सर। इसमें हमने एक साथ अभी जो डिस्काउंट मिल रहा है ज्यादा, जितना बड़े डब्बा हम ज्वाइनिंग करते हैं उसमें हमको जो मार्जिन मिल रहा है वन टाइम मिलेगा। अगर हम दोबारा नहीं परचेज करना चाहेंगे तो हमको 1,080 रुपये से ही लेना पड़ेगा। तो ये मार्जिन वन टाइम अपग्रेड करने के समय ही मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। ये हो गया आपका ज्वाइनिंग पैक। अगर इसमें इनकम की लेने के लिए अगर हम काम करना चाहें तो इसमें हमको 11 प्रकार की इनकम देती है, बहुत बेहतरीन इनकम देती है, जिसमें फाइनेंशियल बोनस इनकम है, डेवलपमेंट बोनस इनकम है, और लाइफ स्टाइल बोनस। ये 3 प्रकार के कैटेगरी में बांटा गया है। अगर हम फाइनेंशियल बोनस की अगर बात करें, रिटेल प्रॉफिट, जैसे अभी हमने बताया कि आपको डिस्काउंट मिलता है, रिटेल प्रॉफिट में हमको 40-42% से लेकर 60% का एमआरपी और डीपी में डिफरेंस होता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा है लॉट ऑर्डर बोनस। अगर हम एक साथ 12 बॉक्स अगर हम परचेज करते हैं तो हमको वही 12 बॉक्स 900, एक बॉक्स की कीमत पड़ता है 934 रुपये। अगर हम 12 बॉक्स की कीमत अगर आके तो 11,200 रुपये होता है। जब भी हम इसको किसी को रिपर्चेज करते हैं एक बॉक्स को, तो हम एमआरपी पे बेचते हैं तो हमको 615 रुपये का मार्जिन मिलता है। इस प्रकार हमने 12 बॉक्स अगर हम सेल कर दिए, जैसे भी परचेज की बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अगर हम देते हैं तो हमको 7,380 रुपये का प्रॉफिट होता है दोस्तों।
ये बहुत बड़े प्रॉफिट है। आज हम इसी चीज के देखें, 7,000 8,000 के लिए लोग भाग दौड़ करके आज किसी दुकान में जाके काम करते हैं, वो भी 12 घंटा काम करके 7,000 कमाते। तो यहाँ एक बहुत आसानी से हम डेली सेल करके भी हम 7,000 8,000 रुपया पर डे भी हम कमा सकते हैं। ये लॉटरी बोनस भी बहुत मार्जिन अच्छा दिया गया है, इसके माध्यम से अपना हम इनकम को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है डुअल टीम टर्नओवर बोनस, 11 प्रकार की इनकम में तीसरा इनकम आता है डुअल टीम बोनस, डुअल टीम टर्न ओवर बोनस, जो मैचिंग भी बोनस बोल सकते हैं इसको, पेयर भी मैचिंग पेयर भी बोल सकते हैं। अगर आपने किसी ए और बी के, जैसे एक साइड अगर हम राम को दें और एक साइड अगर हम श्याम को ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये भी एक साइड में अगर हमारा टीम वर्किंग के साथ धीरे धीरे 1 लाख का अगर घूमता जाता